गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन वेलकम टू माय कैलीग्राफी क्लास। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास, इट इज़ द बिगनर्स कोर्स। ऑल राइट बेटा, आपने कैलीग्राफी कोर्स ज्वाइन किया है समर कैंप के लिए, बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कैलीग्राफी एंड कर्सिव हैंड राइटिंग बोथ आर डिफरेंट। ओके, कैलीग्राफी एक पूरा कोर्स है जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी हैंड लेटरिंग इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल, द टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी आर फॉक्स कैलीग्राफी, मॉडर्न कैलीग्राफी, कॉपर प्लेट कैलीग्राफी, ओल्ड स्टाइल कैलीग्राफी। सो चिल्ड्रन, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी। आपने देखा होगा कार्ड्स में या बैनर में कहीं देखा होगा कितने डिफरेंट टाइप्स से अल्फ़ाबेट्स फॉर्म होते हैं, राइट? सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम कर्सिव हैंड राइटिंग, है ना। कर्सिव हैंड राइटिंग में तो हमने अल्फ़ाबेट्स के साथ एक जॉइन करके सेंटेंस या वर्ड लिखा, राइट? बट कैलीग्राफी में हम अल्फ़ाबेट्स को डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट कर्व्स देते हैं। सो कैलीग्राफी एंड कर्सिव हैंड राइटिंग बोथ आर डिफरेंट, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, सो इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू द बेसिक्स ऑफ कैलीग्राफी, कि कहाँ पे थिक लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ पे थिन लाइन ड्रॉ करनी है। सो दीज आर द बेसिक स्ट्रोक्स विच आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस सेशन। ओके, so children, for this you need to take out any copy, either it is a rough copy or plain paper or drawing copy or any English copy, whatever you have at your convenience in this pandemic period, jo bhi aapke convenience mein copy hai you can take out and we will begin our class. And children, as a beginner's course, क्योंकि हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं, ठीक, तो हम सबसे पहले आज के कोर्स में पेंसिल कैलीग्राफी करेंगे, फिर हम कल या नेक्स्ट डे वी विल यूज़ डिफरेंट कलर्स और स्केच पेंस टू डू द कैलीग्राफी। ऑल राइट, सो चिल्ड्रन टेक आउट एनी पेंसिल, बट रिमेंबर इट शुड बी अ डार्क पेंसिल, बहुत लाइट पेंसिल मत यूज़ करिएगा, डार्क पेंसिल यूज़ करिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन चिल्ड्रन। आई हैव यूज्ड दिस पेंसिल एंड अ प्लेन नोटबुक, सो डू एज आई एम डूइंग, फॉलो मी चिल्ड्रन एंड राइट द हेडिंग फर्स्ट। आई हैव रिटन पेंसिल हैंड लेटरिंग, ओके, एंड देन ड्रॉ दीज लाइन्स इन योर नोटबुक। ओके, आप ये लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। इफ़ यू आर यूजिंग अ प्लेन पेपर और अ प्लेन नोटबुक, देन आप ये लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। ओके, देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ स्ट्रोक्स। सो जैसे जैसे मैं बेटा करते जा रही हूँ, यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स। ओके, एंड अगर मैं फास्ट जा रही हूँ और आप स्लो हो, तो देन प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड यू कैन कंटिन्यू डूइंग इट। ओके, अगर कोई दिक्कत होती है तो यू कैन मैसेज मी। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। देखिए चिल्ड्रन, मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, आप भी कर लीजिएगा। और ये देखिए, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, दिस इज नोन एज अप स्ट्रोक। ओके, ये हमें हल्के हाथ से ये ऊपर की तरफ अप स्ट्रोक लाइंस ड्रॉ करनी है, एकदम थिन होनी चाहिए बेटा और एकदम लाइट हैंड से। नाउ दिस इज डाउन स्ट्रोक, ये एरो जो है ये डाउन स्ट्रोक का है। अभी देखिए, डार्क होना चाहिए, थोड़ा थिक होना चाहिए, हाथ को प्रेशर लगा के ड्रॉ करिए। ओके, हाथ में प्रेशर लगाइए और ड्रॉ करिए, और ये डाउन स्ट्रोक जो होती है वो थिक होना चाहिए, एंड जो अप स्ट्रोक होगा वो थिन होना चाहिए एंड विथ लाइट हैंड। डाउन स्ट्रोक की जो लाइंस है वो थिक होनी चाहिए एंड विथ प्रेशर्ड हैंड, यानी प्रेशर से आपको थिक लाइंस ड्रॉ करनी। नाउ अंडरटर्न, अब देखिए अंडरटर्न कैसे ड्रॉ हो रहा है। अंडरटर्न, जब हम डाउन आते हैं तो हमें थिक लाइन करनी, और जब हम अप जाते हैं तो थिन, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जब हम डाउन आ रहे हैं तो
डाउन स्ट्रोक आ रहे हैं तो, जब हम डाउन स्ट्रोक आ रहे हैं बेटा तो हमने क्या किया, थिक लाइन करी, ठीक, क्योंकि हमने देखा था सेकेंड लाइन में, देखिए जब डाउन स्ट्रोक कर रहे हैं तो थिक, अप स्ट्रोक कर रहे हैं तो थिन विद लेस प्रेशर, डाउन स्ट्रोक कर रहे हैं थिक लाइन विद मोर प्रेशर, जब हम अप स्ट्रोक कर रहे हैं चिल्ड्रन तो हमें लाइट हैंड से अप जाना है, और जब हम डाउन आ रहे हैं तो हमें प्रेशर हाथ को देना है और थिक लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। तो ये जो अंडर टर्न है बेटा, अंडर टर्न में जो लेटर्स या अल्फाबेट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो कौन से यूज़ कर सकते हैं, यू यूज़ कर सकते हैं, राइट, यू अल्फाबेट, वाई अल्फाबेट, ये सब अंडर टर्न वाले हैं, ओके। नाउ वी कैन डू द ओवर टर्न, ऑल राइट। अब ओवर टर्न में क्या होगा, डाउन आ रहे हैं तो थिक, अप गए तो थिन, डाउन थिक, अप थिन, बस इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। कंपाउंड कर्व, कंपाउंड कर्व कैसे होता है, ये दो बार हमने कर्व बनाया, बस इतना ध्यान रखिए, अप तो थिन, डाउन थिक, अप थिन, डाउन थिक। ओवल स्ट्रोक, ओवल स्ट्रोक में जब आप डाउन आ रहे हैं थिक, अप जा रहे हैं थिन, डाउन आ रहे हैं थिक, अप जा रहे हैं तो थिन, डाउन आ रहे हैं तो थिक एंड अप जा रहे हैं तो थिन, ओके। चिल्ड्रन आपको ऐसे ही बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आज का वर्क आपका यही है कि आप ये बार बार स्ट्रोक्स, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अंडर टर्न, ओवर टर्न, कंपाउंड कर्व एंड ओवल स्ट्रोक, ये बार बार बिना देखे प्रैक्टिस करिए। बस आपको ये याद रहना चाहिए, जब आप डाउन डाउन स्ट्रोक लाते हैं तो आपको प्रेशर्ड हैंड का यूज़ करना है, यानी हाथ को प्रेशर देना है और थिक लाइंस ड्रॉ करनी है, मोटी लाइंस ड्रॉ करनी है, ओके। एंड जब आप अप स्ट्रोक लगा रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ कोई कर्व बना रहे हैं या एस पेंसिल को अप ले जा रहे हैं, तो आपको थिन लाइंस विद लाइट हैंड यूज करना है, ओके। और मूविंग फॉरवर्ड विद असेंडिंग लूप एंड डिसेंडिंग लूप। अब देखिए असेंडिंग लूप कैसे बनता है, ये अप गए तो लाइट, डाउन गए तो डार्क, अप गए तो थिन लाइन, डाउन गए तो थिक लाइन, डिसेंडिंग लूप्स, डाउन आए तो थिक लाइन, अप गए तो थिन लाइन, डाउन आए तो थिक लाइन, अप गए तो थिन लाइन, ओके। नाउ चिल्ड्रेन आई एम राइटिंग समथिंग, जस्ट फॉलो मी। अब मैं यहां पे बेटा एन बना रही हूं, एन, नोप, ओके। तो देखिए जब मैं अपवर्ड्स ले जा रही हूँ, अप स्ट्रोक डाल लगा रही हूँ, तो लाइन क्या है, थिन, और डाउन स्ट्रोक तो थिक। आप इसको देख के जस्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बट ये मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ एंड उसमें आपको डिफरेंस शो करना चाहती हूँ, इसलिए ये मैं लिख रही हूँ, ओके। मैंने लिखा नोप एंड देन द नेक्स्ट वर्ड इज संडे। देखिए अप गए तो थिन लाइन, डाउन आए तो थिक लाइन, ठीक। सिमिलरली आप देखेंगे एन बनाया, डाउन आए थिक, अप गए तो थिन, राइट, ऐसे आपको लिखना है, ठीक। अब ये देखिए जो ब्रश कैलीग्राफी होती है बेटा, ब्रश कैलीग्राफी मीन्स आप स्केच पेन के हेल्प से लिखते हैं, और जो कर्सिव हैंड राइटिंग है ये दोनों इक्वल नहीं है, दीज टू बोथ आर नॉट इक्वल, ब्रश कैलीग्राफी एंड कर्सिव हैंड राइटिंग बोथ आर डिफरेंट। अब देखिए मैं नोप को कर्सिव हैंड राइटिंग में लिख रही हूँ तो कैसे लिखूंगी, और संडे को लिखा मैंने कर्सिव हैंड राइटिंग में तो कैसे लिखा। जब हम कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखते हैं बेटा तो तब बेटा कर्सिव हैंड राइटिंग में आप देख रहे होंगे स्पेस बिटवीन द अल्फाबेट्स बहुत लेस है, राइट। अब जैसे नोप लिखा मैंने, तो नोप में देखिए अल्फाबेट्स के बीच में स्पेस काफ़ी है, तो हम
डाउन स्ट्रोक में थिक कर सकते हैं और अप स्ट्रोक में थिन कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब हमने नोप को कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखा या संडे को हमने कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखा, तो देखिए उसमें जो स्पेस बिटवीन द अल्फ़ाबेट्स है वो बहुत कम है, इसलिए हम थिक और थिन लाइंस यानी कि अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक ठीक से नहीं कर सकते। ओके, जैसे मैंने पहले भी कहा था बेटा, ब्रश कैलीग्राफी मतलब होता है जब हम स्केच पेन से लिखते हैं कैलीग्राफी, एंड कर्सिव हैंड राइटिंग एंड ब्रश कैलीग्राफी बोथ आर डिफरेंट, दे आर नॉट सिमिलर। ओके, आज मैंने आपको पेंसिल से प्रैक्टिस कराया बिकॉज आज बेसिक क्लास है, टुडे इज द बिगिनर्स क्लास, दैट इज वाई आप पेंसिल से प्रैक्टिस करिए। बट इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू यूज डिफरेंट पेन, ब्लैक पेन कैसे यूज कर सकते हैं या हम स्केच पेन कैसे यूज कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू होल्ड पेन। ओके, सो अगर आप बहुत नीचे से पेन को होल्ड करेंगे यानी नीचे से पेन को पकड़ेंगे तो वो सही तरीका नहीं है कैलीग्राफी करने का। हमें क्या करना है, थोड़ा ऊपर से पेन होल्ड करना है। ओके, एंड देन इट मेक्स द डिफरेंस इन द कैलीग्राफी, तो दिस इज़ द राइट वे। सो चिल्ड्रन, हमें थोड़ा पेन को ऊपर से होल्ड करना है एंड यू विल सी हाउ ब्यूटिफुली योर कैलीग्राफी इज़। तो नाउ आई हैव टोल्ड यू हाउ टू होल्ड द पेन, प्लीज़ प्रैक्टिस एंड ट्राई टू होल्ड द पेन थोड़ा ऊपर से। ओके, ट्राई एंड यू विल गेट इट राइट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ फोर अल्फाबेट्स, दैट इज ए बी सी डी इन कैपिटल एंड स्मॉल, यू नीड टू प्रैक्टिस आफ्टर दिस क्लास। ओके, ये देखिए कैसे बनाया है मैंने, ए कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। अब आप देखिए कि कैसे अल्फ़ाबेट बनाए। आज हम सिर्फ फोर ही अल्फ़ाबेट्स करेंगे बेटा प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है आफ्टर दिस क्लास। ओके, देखिए ए बनाए, तो जब हम अप स्ट्रोक जा रहे हैं ए, प्लीज़ सी द अल्फ़ाबेट ए ओनली फॉर नाउ। ओके, जब हम ए बना रहे हैं तो ए में जब हम अप स्ट्रोक गए यानी ऊपर की तरफ गए अप स्ट्रोक में तो थिन लाइन है, राइट। एंड जब हम डाउन स्ट्रोक आए हैं तो हमने थिक लाइन बनाई, ठीक, थोड़ा मोटा कर दिया। बेटा आप पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो मे बी इतना मोटा ना हो पाए, बट आप उसको डबल लाइन करके मोटा करके आप फिल कर दीजिएगा। ओके, और फिर कैसे ड्रॉ किया, सिमिलरली ए जब हम डाउन स्ट्रोक आए तो मोटा, अप स्ट्रोक गए तो पतला। ओके, सिमिलरली बी, डाउन स्ट्रोक आए, बी अल्फ़ाबेट देखोगे आप, डाउन स्ट्रोक आए तो हमने थिक लाइन करी, अप स्ट्रोक गए थिन, फिर अगेन जब डाउन स्ट्रोक आए दो बार कर्व लिया, दो बार डाउन स्ट्रोक आए तो थिक। बी में भी स्मॉल बी, डाउन स्ट्रोक थिक, अप स्ट्रोक थिन, देन अगेन कर्व लिया, डाउन स्ट्रोक थिक, अपर कर्व लिया ऊपर गए तो अप स्ट्रोक कर्व लिया तो थिन। ये हमेशा ध्यान दी, जब आपका हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको थिन, नीचे की तरफ आ रहा है तो थिक, ये आप ध्यान रखोगे तो आपका फॉर्मेशन ऑफ लेटर बहुत अच्छा होगा। आप आज के लिए यही होमवर्क है बेटा कि आप ए टू डी लेटर्स प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, एंड प्लीज़ प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करने से ही आपकी कैलीग्राफी ब्यूटिफुल बनेगी। ओके,